हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू प्रोजेक्ट रियलिटी। आज आपको लेकर चल रहा हूँ मुंबई से नजदीक और नवी मुंबई से नजदीक 1 BHK फ्लैट, सेमी फर्निश्ड फ्लैट, वो भी सस्ते, सबसे सस्ते प्राइस में। 1 BHK फ्लैट वो भी नियर बाई स्टेशन के पास में, दीवा रेलवे स्टेशन, दीवा ईस्ट में आपको मैं लेकर आया हूँ। दीवा ईस्ट में आपको स्टेशन से जस्ट 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस पे बाई बस और शेयरिंग ऑटो से 1 BHK फ्लैट 32,50,000, वो भी सेमी फर्निश्ड फ्लैट के साथ में, दीवा रेलवे स्टेशन से जस्ट 5 मिनट का डिस्टेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। 1 BHK फ्लैट 32,50,000, वो भी रेडी टू मूव इन विथ OC रिसीव्ड के साथ में, 1 RK 24,75,000 में। लेफ्ट साइड से ही आपका आपका बस स्टॉप है, जहाँ से आपको थाने वासी और नवी मुंबई के लिए आपको बसेस वगैरह कंटिन्यू मिल जाता है। एंड इधर से आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह आपको मिल जाता है, इधर से आपका सिलफाटा के लिए। ये आपका दीवा और सिलफाटा वाले रोड पे ही है, जो कि अपना 100% टाइटल क्लियर है, TMC अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। नियर बाई स्टेशन के आसपास में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली गौठन की बिल्डिंग है, जिसमें से आपको पानी की दिक्कतें आती है, लाइट की दिक्कतें आती है, एंड पानी वगैरह बहुत भरता है। और यही चीज आपको दीवा ईस्ट में स्टेशन से 5 टू 7 मिनट का डिस्टेंस है। ये आपका स्कूल की बसेस वगैरह आपको कंटिन्यू आपको मिल जाती है, जो कि आपको स्कूल वगैरह भी काफी नियर बाई में है, नेशनल स्कूल है, दोस्ती वर्ल्ड स्कूल है। दीवा स्टेशन से मैं सीधा मैं आ रहा हूँ, कहीं पर भी हमको लेफ्ट और राइट नहीं मानने की जरूरत है। लेफ्ट और राइट में जो भी है सभी कॉमर्शियल है, शॉपिंग वगैरह के लिए भी आपको मिल जाता है। एंड नियर बाई स्टेशन के पास में ही आपको भाजी मार्केट वगैरह है, जो कि आपको स्टेशन से आपको जस्ट 1-2 मिनट के डिस्टेंस में है। और उधर से आप घर में आते आते आप उधर से भी वेजिटेबल मार्केट और ग्रोसरी वगैरह आप लेके आ सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ही प्रोजेक्ट एकदम बहुत लग्जरियस प्रोजेक्ट है, साईं सृष्टि वाटिका, जो कि अपना दीवा रेलवे स्टेशन से जस्ट 5 टू 7 मिनट का डिस्टेंस आता है। यह आपका नेशनल स्कूल हॉल है दीवा ईस्ट में, और राइट साइड में आपको स्कूल आपको मिल जाता है, जो कि नेशनल स्कूल है, नेशनल पब्लिक स्कूल है, जो कि आपको इधर ही अपना इधर से आपको बच्चे लोग जस्ट इधर से अगर आप देखेंगे तो हार्डली 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है। ये मैं निकल गया हूँ सीधा, अभी बारिश का टाइम है इसके लिए थोड़ा सा बारिश में भी आपको, हम लोगों ने सोचा कि सबसे सस्ता प्रॉपर्टी आया हुआ है मार्केट में, तो आप लोगों तक मैं क्यों ना पहुंचाऊं। दीवा स्टेशन से सीधा आपको आना है, कहीं पर भी आपको लेफ्ट राइट आपको मानने की जरूरत ही नहीं है। दीवा स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे, वैसे ही आपको उधर से आपको शेयरिंग ऑटो वगैरह और बसेस वगैरह आपको मिल जाता है सिलफाटा लोकेशन के लिए। उसी रोड पे ही है, उसी रोड से आप आएंगे तो ऑटो वाले को बोलने का खरडी गांव के सर्कल पे ही आपको लाके छोड़ देगा। मैं आपको खरडी गांव भी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है खरडी गांव। अगर मैं खरडी गांव का अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 15 मिनट के डिस्टेंस में घनसोली का रेलवे स्टेशन आपको मिलता है, 10 मिनट के डिस्टेंस पर मापे MBP है, एंड 20 मिनट के डिस्टेंस पर आपको एरोली रेलवे स्टेशन एंड माइंड स्पेस आपको मिल जाता है। जैसा कि अपना एरोली टू कटैना का अगर सुना होगा तो वो अपने प्रोजेक्ट से जस्ट 1-2 मिनट के डिस्टेंस में आ रहा है, जो कि अपना फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा हो जाएगा। एंड थाने रेलवे स्टेशन के लिए आपको 20 से 25 मिनट आपको जर्नी करना पड़ेगा। दीवा सिल फाटक अगर ये रोड अगर आप देखेंगे तो ये रोड अभी सिंगल रोड है, और आपका फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है, टोटल 45 मीटर का रोड होने वाला है, जो कि आपका काफी एकदम स्पेशियस आपको रोड होने वाला है। कहीं पर भी आपको ट्रैफिक और गर्दी आपको झेलना पड़ेगा। ये आपका सीधा आगे आपको राइट साइड में ही आपको भाई अपना फायर ब्रिगेड आपको मिल जाता है। फायर ब्रिगेड के आके जैसे ही अगर आप आगे आते हैं तो आपको ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो अपना 7 माले का बिल्डिंग है विथ सेमी फर्निश फ्लैट है, 1 BHK फ्लैट, सेमी फर्निश फ्लैट बिल्डिंग आपको रोड से ही आपको दिखाई दे रहा है। और ये लेफ्ट साइड में ही आपको स्कूल आपको मिल जाता है, जो कि अपना ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि आपको इधर नियर बाई में स्कूल हॉस्पिटल आपको सभी चीजें आपको मिल जाते हैं। ये रोड आपका सीधा जाएगा तो सिलफाटा जंक्शन की तरफ जाएगा, और यही रोड आपका सीधा घनसोली रेलवे स्टेशन एंड मापे को कनेक्ट करता है।
ये आपका खड्डी गांव का सर्कल आ गया, खड्डी पाड़ा का सर्कल आ गया। सर्कल से आप इधर से आप सीधा जाएंगे तो सिलफाटा की तरफ जाएंगे, और मैंने इधर से मारा यू टर्न। मारा यू टर्न मारने के बाद में मैं सीधा सीधा आ गया। आपको लेफ्ट राइट में आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है, जो कि अपना सभी लीगल बिल्डिंग है और TMC अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। ये सर्कल से जस्ट एक दो मिनट चल के जाएंगे ना, दो मिनट चल के जाएंगे तो आपको सामने ही आपको 7 माले का टावर आपको दिखाई देगा, जो कि आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपको कमर्शियल का स्पेस है, जो कि ऑलरेडी सभी वर्किंग में ही है। ये बिल्डिंग आ गया साइंस सिटी वाटिका, जो कि अपना G+7 स्टोरी का बिल्डिंग है विथ बेसिक एमिनिटीज है, जिसमें से आपको गार्डन दिया हुआ है, जिम्नेशियम दिया हुआ है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया है, एंड 24/7 आपको वाटर सप्लाई है, CCTV कैमरा है, सिक्योरिटी है। ये आपका गार्डन का एरिया है, गार्डन का एरिया बहुत ही पीसफुल एरिया है, और चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, जो कि अपने बिल्डिंग में छोटे बच्चे रहेंगे तो आपको खेलने कूदने के लिए बच्चे लोग काफी बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं फ्लैट की तरफ। ग्राउंड फ्लोर में पूरा पार्किंग का एरिया है, ये देखिए आपका पूरा पार्किंग का एरिया है। टोटल बिल्डिंग अपना G+7 स्टोरी का 3 टावर है, A-wing, B-wing, C-wing। तो पब्लिक आ गई है रहने के लिए, ये देखिए कहीं ना कहीं पर मुझे शोरगुल गाने वगैरह भी सुनाई दे रहे हैं। और ग्राउंड फ्लोर में आपको पूरा पार्किंग का एरिया आपको मिल जाता है, टोटल A-wing, B-wing, C-wing का ये पूरा कंपाउंड का एरिया है, जो कि आपको बच्चे वगैरह के लिए सिटिंग एरिया है, काफी अच्छा है। ये आपका 409 का यूजेबल कार्पेट एरिया आता है, जो कि आपको सेमी फर्निश फ्लैट के साथ में आपको मिल रहा है विथ बालकनी के साथ में। लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो लिविंग एरिया आपका 16/9 का आपको लिविंग एरिया आता है, प्लस आपको 3 फीट का आपको बालकनी का एरिया आपको मिलता है, जो कि आप बालकनी से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। वन BHK फ्लैट सेमी फर्निश फ्लैट में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सेफ्टी डोर आपको मिल रहा है, वीडियो डोर कॉलिंग आपको मिल रहा है, एंड 500 का वाटर टैंक आपको मिल रहा है, इन्वर्टर आपको मिल रहा है विथ बैटरी बैकअप के साथ में, एंड हर एक रूम में आपको वेस्टर्न कमोड की फैसिलिटी दिया हुआ है। जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो, उनको बैठने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो वो वेस्टर्न कमोड में आपको इजीली आप बैठ सकते हैं। 1 BHK फ्लैट सेमी फर्निश फ्लैट, और इसका रेंटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो रेंटल इनकम भी आपको 8,000 to 9,000 आपको रेंटल इनकम आता है। अगर 30 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, 30 लाख के हिसाब से अगर 9,000 तक आपको रेंटल इनकम आ रहा है तो काफी अच्छा रेवेन्यू आपको मिल रहा है, 30 पैसे का आपको रेवेन्यू आपको मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और आपके सामने बिल्डिंग भी रेडी टू मूव इन है विद OC रिसिप्ट के साथ में। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको हर एक रूम में आपको बालकनी का एरिया आपको मिल रहा है, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, आपको सभी में आपको बालकनी का एरिया आपको मिल रहा है, जो कि काफी एकदम नेचर के साथ में जोड़ता है। ये बिल्डर काफी अच्छे बिल्डर हैं, जो कि टाइम टू टाइम पे पजेशन वगैरह भी दे देते हैं। इनका दिवा ईस्ट में ही कम से कम नहीं तो 12 से 15 बिल्डिंग का बनाया हुआ है, जो कि ऑन टाइम पे ही पजेशन दिया हुआ है विद OC रिसिप्ट के साथ में, और वो भी रेरा के पहले। आपको दरवाजे के पीछे साइड में आप देखेंगे तो वार्डरोब का भी एरिया काफी अच्छा दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साइट विजिट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए एंड साइट विजिट बुक कीजिए। स्टेशन से हमारे पास पिकअप एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है।